हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, जो आपके आईएएस यानी कि सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। और जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपसे कह दिया जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जाता है किसी भी कोचिंग में, ठीक है। और वैसे याद रखिए, पढ़ाने लायक है भी नहीं। आप देखते हैं अभी भी, आपने अगर देखी, हम लोगों ने जो जो एनसीईआरटी खत्म की है उसमें आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए। अगर एक से दो बार आप पढ़ते हैं आराम से बड़े ध्यान रखकर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जितने अधिक से अधिक बार हो सके आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। पहले भी कई बार मैं बता चुका हूं कि एक आपको स्पेशल बुक पढ़ लेनी है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, काफी है आपके पास मटेरियल इतना, क्योंकि आपको हजार तरह की मटेरियल नहीं रखना है कि मालूम चला कि पूरा रूम भर लिया आप मटेरियल, स्टडी मटेरियल रख के, और पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। जैसे पॉलिटी के लिए बेहतर है आपका कि पॉलिटी पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, और एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, काफी है इतना, ठीक है। इसी तरह एक एक करके, एक एक बुक और स्पेशल एक बुक बस। तो एनसीईआरटी तो 3 4 बार जितने अधिक से अधिक बार हो सके पढ़ते रहिए। तो कक्षा छठवीं की हम लोग सभी बुक्स कवर कर चुके हैं, 4 बुक आपकी कक्षा छठवीं की भी कवर की हुई है जो आपकी सिविल सर्विस के लिए जरूरी है, ठीक है, और स्टेट पीसीएस के लिए। क्लास 7वीं यानी कि कक्षा 7वीं की 4 बुक्स हम लोगों ने कवर की थी, कक्षा 8वीं की भी 4 बुक्स हम लोगों ने कवर की थी, कक्षा 9वीं में 5 बुक कवर कर ली, कक्षा 10वीं में 4 बुक हम लोग कवर कर चुके हैं, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, समकालीन भारत सेकंड, आर्थिक विकास की समझ, और भारत और समकालीन विश्व सेकंड। ये लास्ट बचती है 5वीं बुक विज्ञान, विज्ञान ये कक्षा 10वीं की है, ठीक है। और इसके बाद आपकी 11 और 12वीं की बचती है, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे बहुत जल्दी, बस आपको बड़े धैर्य से रखना है। और याद रखिए, मैंने सभी पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर डाल दी है, तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा कि आपको, मैंने तो बोला है आप लोगों से, एक तरह से वादा किया है, तो मुझे तो कवर करनी ही है, लेकिन अगर आप लोग जल्दी से पढ़ लें बिना समय गवाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसलिए हमने जो आपके लिए जरूरी है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दिए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। और जो भी आपके मैसेज हुआ करेंगे आप बता दिया करिएगा, उन शब्दों को मैं समझा दीजिए, ठीक है। तो कब इसमें विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है उसे देख लेते हैं, विषय वस्तु क्या क्या है इसमें, बाकी पढ़ते रहिए इन सबको आप लोग, उनको अगर पढ़ना है, ये आपके नोट वोट दिए गए हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट पर चलते हैं और विषय वस्तु देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। पहला अध्याय होगा हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, दूसरा अध्याय होगा अम्ल क्षारक और लवण, तीसरा अध्याय होगा धातु एवं अधातु, चौथा अध्याय होगा कार्बन और उसके यौगिक, पांचवा अध्याय होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, छठवा अध्याय होगा जैव विक्रम, सातवा अध्याय होगा नियंत्रण एवं समन्वय, आठवा अध्याय होगा आपका जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी आपका चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। नौवा चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, 10वां चैप्टर है विकास परावर्तन अपवर्तन, 11वां चैप्टर है मानवनीत रंग बिरंगा संसार, 12वां चैप्टर है विद्युत, 13वां चैप्टर है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, 14वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, और 15वां चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण, और 16वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसमें कुछ आपकी शब्दावलियां दी गई होंगी, तो उन्हें वैसे तो इन चैप्टरों में बता चुका हूं,
बताएंगे, लेकिन लास्ट में भी बता देंगे आपको, जिनसे आपको कुछ समझ विकसित होती है। तो एक कहानी है आपकी, 16 चैप्टर है इसमें विज्ञान में आपकी, इसे हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और मैंने देखा है कि कक्षा 10वीं तक की अभी तक हम लोगों ने जो कवर की हुई है आपकी, उनमें मुझे नहीं ऐसा कोई शब्द मिला है कि जो आपको समझ में ना आ सके। यही सोचकर आप याद रखिए कि आप एक मतलब सिविल सर्विस की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका लेवल काफी ऊपर उठ चुका होगा, तभी आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आराम से समझ में सब कुछ आ जाएगा। इसे भी देख लीजिए, ये तो आपको रट जानी चाहिए, इसमें इतने बार हम लोग कवर कर चुके हैं, भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ मतलब प्रावधानों के साथ संविधान आपका लागू हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। याद रखिए, एक तरह से आप सोचिए, उद्देशिका में हमारे भारत की जो असली आत्मा है, ठीक है, वही समाहित है। अगर ये हमारे देश में लागू हो जाता है पूरी तरह से, तो हम लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। स्वतंत्रता, समता, विश्वास, धर्म, ये पूरी तरह से संविधान इसी के आसपास चारों ओर घूमता दिखाई देगा आपको। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग पहला चैप्टर, देखते हैं अब